हो गया अलहमदिल्ला, बिल्कुल ठीक ठाक है। और अभी अभी जो है ना, हम लोग घर से निकले हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी काम करने वाले थे। आपको पता है यहाँ पे जितने भी काम होते हैं ना, वो हम लोगों ने खुद ही करने होते हैं लेडीज़ ने। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग्स भी अब इसी तरह बनाएंगे, कुछ आपको बाइक की सैर कराएंगे, शॉपिंग्स दिखाएंगे, चीज़ें दिखाएंगे बार्सिलोना की जो जो अच्छी हैं, और कुछ आपके साथ घर की रूटीन शेयर करेंगे। और वैसे भी आप सब बताएं कि आप किस टाइप के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, बार्सिलोना की कोई चीज़ देखना चाहते हैं, शॉपिंग देखना चाहते हैं, घर में रूटीन देखना चाहते हैं, तो आप भी बताइएगा, उस तरह के ब्लॉग्स बनाएंगे। अभी निकले तो माशाल्लाह माशाल्लाह बाली स्कीना का जो है ना वो पासपोर्ट मिल रहा है, तो बाली की तस्वीरें प्रिंट करवानी है। और हम लोगों ने अपनी पत्ती ले लिया काफ़ी, यानी कि ना छोटे मोटे काम, क्योंकि हमारे जो जेंट्स हैं ना वो माशाल्लाह सुबह सुबह निकलते हैं तो रात गए घर वापस आना, क्योंकि यहाँ 12-14-16 घंटे तक काम करना होता है, ठीक है ना। तो घर के भी जितने काम है, बच्चों के स्कूल है, सब कुछ वो खुद ही मैनेज करना है। आज तो खैर मैं ना अम्मी को धमकी दे के आई, तो अगर आज आप वीडियो में ना आई तो मेरे चैनल बंद कर देना। तो अब मुझे कह रहे थे अच्छा तुम वापस आते हो, क्योंकि अम्मी की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब थी। वैसे सच बताऊँ नज़रेबाद बहुत बुरी चीज़ है, अम्मी बेचारी ऐसी पाकिस्तान से आई हैं ना, तब से अम्मी की तबीयत ही नहीं ठीक हो रही। तो खैर देखे कि चैनल बंद करने की धमकी कितना काम करती है, उन पर आते हैं तो अम्मी का पता चलेगा, अभी निकलते हैं जो काम करने हैं वो करके आते हैं। और फिर अच्छा जी अभी ना यहाँ एक पाकिस्तानी शॉप है जहाँ से पिक्चर्स हम ना मोबाइल में बाली की तस्वीरें हम बना के लाए थे, कुछ उसी में से प्रिंट करवा लेंगे। तो ये पाकिस्तानी शॉप है, यहाँ से पिक्चर्स बननी देते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। अच्छा ये हमारा ना स्टॉल दोबारा वापस आ गया, अब हमने ना चीज़ें ले ली हैं, ये ली हैं हम लोगों ने, ये बड़े मज़े के हैं भाई, कोयले पे बनते हैं ये, कोयले पे बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा, और गर्म गर्म कितने हैं। फिर मरका दोना के सामने अभी बस पिक्चर्स ले कर ना बाली स्कीना की, तो फिर हम लोग जो है ना आगे जाएंगे। अभी हम पिक्चर्स की वजह से वेट कर रहे हैं, सोचा चलो ठंड है तो ये खा लेते हैं। इन्हें पता नहीं चेस्ट नट के क्या कहते हैं इन्हें भला, कस्तानियास कहते हैं स्पेनिश में, नट्स होते हैं जिसना बादाम। हाँ कस्तानियास। अच्छा ये ना यहाँ ग्लासेस की दुकान है, यहाँ पे आई साइट और ग्लासेस का काम जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है, 100 यूरो की एक ऐनक बनती है इधर। चलो पिक्चर्स का वेट करते हैं फिर चलते हैं। आए तो थे हम वैसे ना, तो पाकिस्तानी शॉप है ना यहाँ से हम लोग लेते हैं पत्ती यहाँ से, लेकिन ये फैमिली पाकिस्तान गई, शॉप बंद है, अब साथ है फ्रूट एरिया वहाँ से मिलेगी। हमारी ज़िंदगी का जो है ना सबसे ज़रूरी काम पत्ती ये पत्ती मिलना बहुत ज़रूरी था। हम लोग एक लेके आए थे टी बैग्स, लेकिन ना उसके टेस्ट का ना हमें ज़रा सुर स्वाद नहीं आया। और अच्छा आज का टी बैग का डब्बा 2 दिन में पी गए, बहरहाल ना मज़ा नहीं आया उसका, उसका कलर और टेस्ट ही नहीं अच्छा लगा। हुई इतने महंगे, ये देख ले जी एक बैग जो है ना 140 यूरो का, 150 यूरो का, सिर्फ हल्का फुल्का सा ना कोई मार्का लग रहा है, यानी कि ब्रांड लग रहा है। हुई ये बैग प्यारा है, ये देखे ना ये वाला, और ये है जनाब 40 यूरो का। अच्छा चलिए आपको ना मज़े की एक शॉप दिखाते हैं, अब हम घर जो जा रहे हैं, जाते जाते ना आपको कुछ अच्छा दिखा के लेके जाती हैं। ब्लैक फ्राइडे ऑफर लगी है लेकिन फिर भी बहुत ही महंगे, किसी ना काम का बैग है 150 यूरो का, 50,000 पाकिस्तानी बनता फ़ायदा। वो थी ये बाली की पिक्चर्स बन गई हैं और बहुत क्यूट उसकी पिक्चर्स आई हैं। और अभी जो है ना माशाल्लाह से ये इसकी अम्मा को इतनी की फ़िक्र थी ना, आजकल उसके बाल छोटे हैं, फिर हमने ना उसकी कोई 2-3 महीने पहले वाली निकाली जहाँ उसके बाल लंबे थे। तो अभी ना आज हमने और कुछ नहीं लेना, पत्ती और पिक्चर्स का काम था, लेकिन इस तरफ ना शॉप्स 2-3 बहुत ही प्यारी हैं, तो आप सबकी फरमाइश पे ना आपको क्यूट क्यूट सी ना 2-3 चीज़ें दिखा के ना तो फिर हम घर जाते हैं। और आज बना हुआ है जनाब कढ़ी पकौड़ा, खाना भी चल के खाएँगे। और यहाँ पर ना बहुत ही जो है वो, अब तो खैर क्रिसमस है, कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं उस वजह से ज़्यादा डेकोरेशन, और हर तरफ ना अब बल्कि स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट सारा कुछ ना, तो इधर कंस्ट्रक्शन हो ना तो इस तरह से होती है। ये देखें ऐसे हर चीज़ को कवर कर देते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन होती है। ये देखें ऊपर तक इसी तरह इन्होंने ना वो खिलारे नहीं पड़ते इधर, तो बस ये है कि पत्ती हमने ले लिया, सुप्रीम ही यहाँ पे मिलती है वही ली है,
एक वैसे ब्रांड पीजी भी है लेकिन वो वाइट वाइट चाय रहती है। अभी चलते हैं कुछ और आपको विजिट करा के फिर घर जाएंगे। अच्छा ये देखें कितना प्यारा इन्होंने सेटअप लगाया है। हर रिलीजन की ऑब्वियसली अपनी एक जो है वो प्रिपरेशन और सेलिब्रेशन होती हैं। हम कितनी अपनी तैयारी करते हैं छोटी ईद की बड़ी ईद की। तो इस तरह से ये जनाब आ गए सेंटा क्लॉज, ये बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं और यहाँ बहुत सारे सेंटा क्लॉज बने हुए होते हैं कि जो बच्चों को देते हैं। ये है जनाब क्रिसमस ट्री, ये आ गई है डियर, इसने भी अपने ऊपर ना काफ़ी गिफ्ट्स रखे हुए और इसकी गर्दन भी मूव कर रही है और पूरा सेटअप कितना प्यारा लग रहा है। और इधर देखें, अच्छा इधर तो कोई रॉक स्टार आई हुई है और हिस्ट्री भी लिखी हुई है स्पेनिश में कोई। और ये देखें क्यूट क्यूट ये चीज़ें, हयाम को ये गुड्डे पटोले जो है ना हयाम को बहुत ही पसंद है। और ये भी अच्छा काफ़ी भरा भरा सा बना हुआ है, ये बहुत क्यूट लग रहा है ऊपर ना, ये देखें ब्यूटीफुल। अच्छा ये क्रिसमस ट्रीज कितने क्यूट लग रहे हैं। डोर हैंगिंग और डोर बल्स कितनी प्यारी हैं। मैं वो देख रही थी बाहर बड़े वो थे क्यूट क्यूट से गुड्डे, जैसे हयाम को नहीं पसंद, जैसे ये देखो ना ये बैठा हुआ है डोर हैंगिंग पे। आओ अंदर से कुछ देख के आए इनके लिए। क्यूट है ये, बहुत क्यूट है ये देखो, ये वाली ये टोपी और मफलर वाली वो, और ये दोनों, और ये भी बहुत प्यारी है। ये चीज़ें ना अब ये तो नहीं खैर, लेकिन ये जो डॉल्स वगैरह है ना ये वाली और ये वाली, लेकिन अभी नहीं कुछ टाइम के बाद लेके देंगे, ऐसे बच्चे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। कम कम चीज़ें और डिफरेंट टाइम्स पर देनी चाहिए ताकि उन्हें ना कदर रहे चीज़ों की। अच्छा पीछे टॉयस का सेक्शन है, मेकअप भी बहुत पड़ा है इधर तो भाई। अच्छा कुछ लोगों को मेकअप की वीडियोज़ बहुत पसंद है। टेस्टर अच्छा कलर, नाइस कलर। आज तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, आज हमने कुछ लेके नहीं जाना क्योंकि खिलौने बच्चों के आए हैं, शान बड़े अच्छे लेके आए, वो घर जाके दिखाऊंगी। फिर ज्यादा से ज्यादा चीजें इनके पास हो ना फिर चीजों की ना कदरी बच्चे करते हैं, तो इतनी इतनी लेके देनी चाहिए जितने वो खुश हो के खेलें, वो ख़राब हो तो फिर और ले लें। ये कितना प्यारा लग रहा है, ये सारी चीज़ें हयाम को बहुत पसंद है। और बाली बिल्कुल ना, बाली थोड़ी सी है हुसैन की नेचर की, उसे लड़कों वाली चीज़ें पसंद है, डॉल्स और गुड्डे नहीं पसंद, हयाम को ये बहुत पसंद है। बाली क्यूट चीज़ें हैं, नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी चलते हैं घर, आपको काफ़ी सैर करा ली आज क्रिसमस के लिए। यहाँ पर स्कीना के लिए ना एक पेड़ लेने उन्होंने खींच दिए, खींचने कभी भी नहीं पहनने। ये क्रिस्टल के हैं, प्राइसेस भी बहुत ही प्राइसेस अच्छे हैं। हमने जो दो चीजें ली हैं वो दिखाओ, हमने ली हैं यहाँ फातिमा की पिंस, सॉरी पोनिया स्टॉलर के लिए ली है, ये स्टॉलर के लिए छोटी ली हैं सेफ्टी पिंस, और ये हयाम के ना कुछ पोनिया ले ली हैं। बाल माशाल्लाह उसके हेल्दी और बड़े अच्छे लगते हैं, ब्रेस्टर्स बहुत प्यारे। आप भी बोले कि ना बिल्कुल वीडियो में नहीं आती। क्या हाल है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खड़ी हूँ। खड़ी हूँ सही बात, खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे मसल्स का बहुत ज़्यादा पेन हुआ है और मेरे ख्याल से मुझे दो तीन दिन ये उठाते उठाते रहे। मैंने इसे कहा था कि वीडियो में ना बताना, फिर सारे कहते हैं बेचारे जब चारे मुझे, मैंने आपको नजर लग गई है, मुझे पसंद नजर नहीं। जब से पाकिस्तान से आई है ना, जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक, पहले इन्फेक्शन हो गया तो अब मसल्स, अब नहीं हमने आपको जल्दी भेजना, और ये भी देख ले कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आज ये आई हुई है मेरे ख्याल से चार पाँच दिन हो गए हैं। हाँ जी छलिया हमारी छलिया आई हुई है, जिन्होंने कहा कि अम्मी आप नहीं बना के देनी है। दूसरा मैंने आपको ऐसे कामों के लिए मुझे ही रखा हुआ, अगर आप वीडियो में नहीं आएंगे तो मैं चैनल बंद कर दूंगी, मैं अकेली ब्लॉग नहीं बना। मुझे आज कह रही थी कि मैं वीडियो लगाने लगी कि मैंने चैनल बंद कर दिया, मैंने कहा सारों ने मजाक समझा, फिर उन्होंने कहा लो जी अब बंद नहीं किया, मैंने कहा मैं जितनी देर हूँ ना बंद ना कर। असल में आप देखे ना सारे वीडियो में नहीं आते, कुछ लोग वीडियो में बोलते नहीं है। आज अब नैना से कहा, मैंने कहा चलो तुम्हारे बोलने की रौनक होती तुम, क्योंकि लास्ट टाइम ना ये लोग बोलते थे तो फिर क्रिटिसाइज भी, जरूरी भी नहीं है कि सब लोग वीडियो में आए, कुछ मसाइल होते हैं आप लोग भी समझ सकते हैं, फैमिली मैटर होते हैं ऐसे, क्योंकि सारे, और मुझे भी बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली हिना को, हमने इसलिए दी थी कि ये फारग थी उधर, ये ना
रोज हमें कोई ना कोई उलामे देती थी कि आपके दो ही बच्चे हैं, आप ले गई हैं, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मैंने इसे कहा था कि जब आ गई है ना, तो अब कभी भी दिल करता है कि चैनल बंद कर दे, क्योंकि इतनी एफर्ट स्ट्रगल हो नहीं रही है किसी से। अभी ऐसे पड़ी हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश नहीं है। फ्रेश दो तो नहीं थी, ज्यादा थी, चार लेके आओ, दूसरी की दो, तीन तो बना ले, चार चारों ही बना ले। मेरे से आपने खानी है, आप भी खा ले, अभी इतना को टाइम तो ना, डिनर में बहुत टाइम है, बच्चे हमारे बेचारे आजकल। तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक, अभी तक ना मेरे इतना स्टिल ना दिमाग तक दर्द हो रहा है और मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा। बस आएंगे व्लॉग में, आएंगे तो व्लॉग बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो मैं व्लॉग में एक दफा आती हूँ तो हफ्ता लम लेट हो जाता है। तो अब यह है कि मैंने वैसे सबसे कहा है कि सब व्लॉग में आया करें, एटलीस्ट आते ही नहीं है तो बोल ही पड़ा करें पीछे से। तो नैना तो आज आई है। हाँ अब बोलते पता क्या, सबको कहीं ना कहीं से ना कोई प्रॉब्लम है कि नहीं बोलती है ना, फिर होती है मजबूरी। असल में लास्ट टाइम ये बोलती चलती खिलाती पिलाती सब था, फिर बीच में कईयों ने कह देना इसकी आवाज चलाकों वाली है, इसकी बच्चों वाली है, इसकी रोने वाली है, इसकी वैसी है, तो वो सारे इस चीज से ना अवॉइड करने लग जाते। बहरहाल जी, फ्राई पैन आ चुका है और यहाँ आ गया है नमक, नमक और यहाँ आ गई है छलियाँ। तो अभी हमें छलियाँ बना के ना अम्मी बनाएंगी, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी भी दोनों ने चारों बना लेते हैं ना। ये नमक, नमक को गर्म करा तो प्रोफेशनल छली भूनने वाली कुछ ना कुछ तो करें। लो जी दो और आ गई हैं, दो और मेरा ख्याल है ये दोनों ना तसल्ली से भून देते हैं। ये तसल्ली से ही भून ले क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन तीन चार दिन की पैकिंग में पड़ी हुई। यहाँ चीज सर्दी है ना, खराब जल्दी होती है। असल में आजकल हम कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा रहे, हमारे बच्चों की जो है ना वो बड़ी टफ लाइफ है, क्योंकि उनकी रूटीन ही इतनी स्ट्रिक्ट है ना, तो बच्चे बेचारे कहीं आने जाने जो देने, वीकेंड पे हम लोग भी लेजी हो जाते हैं। वो चार आपने ज्यादा नहीं डाल दी फ्राई पैन में? नहीं यार ठीक है, ठीक है, ऐसे ये अच्छी खासी वो कहते हैं ना चेंज हो सकते हैं। बच्चे हमारे बेचारे सुबह 7 बजे उठते हैं और 5 बजे घर आके ना तो उन गरीबों को कोई होश आती है, याद है आजकल नींद भी होशी रहती है और 8 बजे फिर सो जाते हैं। अभी आयाम, अभी देखो 8वीं बजे वो मेरी गोदी में सो भी गई, वो सो भी गई और वो स्कूल भी सो कहती है, वो पूरा नैप लेती है घंटे का, उधर भी सो जाती है, उधर भी सो जाती है, छोटी बहुत है। आप ये देखे, मैं उसे छोड़ के आके बिस्तर पे लेटती हूँ, मुझे इतना कुछ का कि हुसैन बड़ा हो गया, समझदार है। आयाम बेचारी अभी बहुत छोटी है 9 to 5 के लिए, लेकिन खैर छलियाँ बनना शुरू हो गई है। ये वैसे दो दो डाल के ना हो लेते, ये भी हो जाएंगे, किसी ने अगर घर में बनानी हो तो अम्मी के तरीके से बना सकते हैं। पिंक सॉल्ट अलग, क्योंकि इधर हमें ये छलियाँ मिल ही नहीं सकती ना। ओए होए, मुझे वो नकिया गली वाली छली नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं ना। इस दफा गई ना, मैंने अमरूद बहुत एंजॉय किया, बहुत खाए, कहीं से अच्छी लेके आ रही है बाग से तोड़वा के, कहीं से जफर लेके आ रही है। आप लोग ना डेली तक अमरूद पर खाए, मुझे तो आपकी वो नथिया गली वाली छली नहीं भूलती। आपने मुझे एक छली खिलाई थी, एक हफ्ता सर में और दांतों में दर्द रही बहुत सख्त छली थी वो, तोबा एक हफ्ता मेरे दांतों और सर की दर्द नहीं ठीक हुई। बड़ा छलियां बना के ना फिर आपको दिखाते हैं, आज गप्पे काफी हो गए। ये इतना सारा नमक कैसे उतरेगा इनके ऊपर से झाड़ने से? ये फौरन टिश्यू से साफ करने से। कितना और अभी भूनना है? अभी बहुत, ये वैसे तो बॉयल ही होती है, नरम थी छलियाँ, लेकिन अभी इनको हमने करनी है ऐसी सारी। अच्छा ऐसे करनी है, टाइम लग जाना? नहीं इतना टाइम नहीं लगता, ऐसे देखो छलियाँ भी बहुत ही अच्छी अम्मी ने बना दी है। हल्का हल्का नमक का खिलारा पड़ता है पर ये काम ठीक है घर में खाने के लिए, और ये नरम बहुत है, बहुत मजे की है। और अब मैं इस टिश्यू से मैं आपको साफ कर देती हूं। अच्छा चलो कर लें, अब आप हाथ बचा लें जी, हम छली खाते हैं फिर बाकी खाने की तैयारी करेंगे। कड़ी बनी हुई है और बच्चों के लिए आलू की माँ। चले जी, रात की हमारी चाय आ गई है और ये इनकी नहीं डाइटिंग हमने कल से कर ली। वो भी मजाक उड़ा रही है आपकी बाली, हम मजाक उड़ा रही हो। जब हुसैन और याम सो गए, आप भी सो जाओ, सो जाओ ना की बच्ची। ये तो कसम से माशाल्लाह माशाल्लाह ना, इसने सिर्फ मेरे साथ रहना है, ये देख। अच्छा जी, चाय बहुत अच्छी बन के आई है। ये ड्रामा मामा, ये है जनाब,
हमारा लास्ट डे ऑफ अयाशी, कल से डाइटिंग इंशाल्लाह शुरू कर लेनी है। उम्मीद तो बहुत आज ही चीजें खा के खत्म कर लेते हैं। बहरहाल आपको समझ आ रही है वाली? चलिए जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।